वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ होम साइंस के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक में दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि के आकार जैसा होता है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है किस आकार का होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका यानी मटर के दाने जैसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रजोधर्म की शुरुआत सामान्यतः किस आयु में होती है। रजोधर्म जो है उसकी शुरुआत सामान्यतः किस आयु में होती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर यानी 10 से 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कृषि में उर्वरकों रसायनों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से होता है तो वो हो जाता है नहीं मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती है। ऑप्शन ए में है टाइफाइड, ऑप्शन बी में है पीलिया, ऑप्शन डी में है अस्थमा और सी में है हैजा, जिसका आंसर हो जाएगा आपका अस्थमा यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, राष्ट्रीय पोषण संस्था की स्थापना कब तथा कहां हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर यानी 1958 हैदराबाद। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा परीक्षण पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घौ यानी उपर्युक्त सभी, यानी चीनी का, नमक का तथा सिरका का प्रयोग जो है परीक्षण पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पारिवारिक आय को कितने भागों में बांटा गया है। पारिवारिक आय को जो है कितने भागों में बांटा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कपड़ों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े का चयन जो है करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा कपड़ों की किस्म, कपड़ों की सिलाई शैली और फैशन। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा यानी डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, साफ स्वच्छ शांति पवित्रता के प्रतीक कौन से रंग है। साफ स्वच्छ शांति और पवित्रता के प्रतीक कौन सा रंग है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका कौ यानी उजला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कृषि उत्पाद की शुद्धता की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी एग मार्क से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जन्म से ही बच्चे में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी प्यार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दूध संरक्षित होते हैं, दूध जो है संरक्षित होते हैं, उसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी 30 से 40 डिग्री फारेनहाइट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, वस्त्र जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घौ यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मजबूत रस्सियां बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है। मजबूत रस्सियों को बनाने के लिए जो है कौन सा रेशा काम आता है, जिसका आंसर हो जाएगा घौ यानी नायलॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न अंत सज्जा के सिद्धांत है, अंत सज्जा के सिद्धांत है, जिसका आंसर हो जाएगा घौ यानी उपर्युक्त सभी, अनुपात लय तथा अनुरूपता यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले पहला प्रभाव जो पड़ता है वो होता है यानी वो क्या होता है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क यानी उससे परिधानों से, उसके परिधानों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भौतिक साधन होते हैं, भौतिक साधन होते हैं, उसका आंसर हो जाएगा घ यानी सर्वसुलभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अपमिश्रित रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। अपमिश्रित को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्वच्छ जल जो होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है या गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है या उपर्युक्त सभी, जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, बचत की आवश्यकता होती है, बचत की जो है आवश्यकता होती है लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए, जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी चीजों के लिए बचत की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी बोलना। ठीक है, ये क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका
गौ यानी 800 से 1000 मिलीग्राम, ठीक है, बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि और विकास को जो है कौन चीज जो है ये प्रभावित करता है, जिसका जो है आंसर हो जाएगा पोषण, वातावरण तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी डी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर, यानी दोस्तों से संबंध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पारिवारिक आय का घटक है, पारिवारिक आय का घटक है, उसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उपभोक्ता का अधिकार नहीं होता है चयन का या क्षतिपूर्ण का या दुकान में रेड करवाने का, जिसका आंसर, या शिकायत डी में है, शिकायत दर्ज करने का, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ, यानी दुकान में रेड करवाने का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, आंगनबाड़ी योजना किस संगठन से संबंधित है, आंगनबाड़ी योजना जो है किस संगठन से संबंधित है, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या समेकित बाल विकास योजना या डी में है केयर, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यानी गौ, समेकित बाल विकास योजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहां लेडी डर्विन कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 1932 दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अतिसार किससे फैलता है, अतिसार जो है वो किससे फैलता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी विब्रियो कोमा, ठीक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है, सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां जो है कौन सी होती है, निम्न श्रेणियां, मध्य श्रेणियां, उच्च श्रेणियां या डी नंबर में उपर्युक्त सभी, जिसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं, बाह्य आकृति, रंग या कपड़े की गुणवत्ता या उपर्युक्त सभी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, संपूर्ण सिलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, ठीक है, दाग धब्बे छुड़ाना, धुलाई, सुखाना या इस्त्री करना, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी इस्त्री करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या है, वायु प्रदूषण जो है प्राकृतिक के कौन से कारण की वजह से होता है, ज्वालामुखी राख या लकड़ी एवं कोयला जलाना, कल कारखानों से निकलता हुआ धुआं, वाहनों से निकलता धुआं, ये तीन ऑप्शन जो है आपका सब मानव निर्मित है, तो ये ज्वाला जो है वो प्राकृतिक कारण है जो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उसका ए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ यानी एनीमिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आहार आयोजन का महत्व, आहार आयोजन का महत्व है किन कारणों के लिए है, परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए या आराम के लिए, जिसका आंसर हो जाएगा परिवार के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे सवाल को आप अभी भी समय है आपके पास, आपको देख कर जाना है, ठीक है, ये सारे एग्जाम जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, भविष्य निधि योजना क्या है, ठीक है, भविष्य निधि योजना इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, इनकम क्या होता है, ठीक है, इस सब के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना, कृत्रिम रेशा क्या है, कृत्रिम रेशा क्या है, एगमार्क क्या है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। चलिए और इसके बाद है ये हार्मोन क्या होता है, ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप अपने किताब से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़ देख लेना है, अगर मैं इसमें बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको अपने किताब से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रंग चक्र क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है, परंजी धब्बे क्या होते हैं, ठीक है, उगा विशासक भोजन क्या होता है, रेडीमेड वस्त्र कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए उसके
आप लोगों को जो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, यह पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद स्तनपान शिशु के लिए अति आवश्यक क्या चीज़ें हैं, बच्चों के लिए जो है स्तनपान, जो बच्चे दूध पीते हैं उसके लिए अति आवश्यक चीज़ें क्या होती है, ठीक है, उसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष प्रजनन तंत्रों के चित्र बनाएं तथा मूत्राशय प्रोस्टेट वीर्य कोष का विरसन को दर्शाएं, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। परिवार के लिए बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको जो है पढ़ लेना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसी को लेकर आया हूँ, ठीक है। आहार या मिलावट रोकने से संबंधित अधिनियम क्या है, वर्णन करना है, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवा से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है पढ़ के जाना है। चलिए ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो है बच्चे सारे आप वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए।